ब्रैड पिट की फिल्म आ रही है बुलेट ट्रेन। साल 2019 में वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड रिलीज हुई थी। क्वेंटिन टैरेंटिनो डायरेक्टेड इस फिल्म में ब्रैड के साथ लियोनार्डो डी कैप्रियो और मार्गो रॉबी जैसे एक्टर्स ने भी काम किया था। फिल्म में ब्रैड ने 60 के दशक की फिल्मों के स्टंट डबल क्लिफ बूथ का रोल निभाया था। उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर भी मिला। इसके बाद वो स्पेस फिल्म एड एस्ट्रा में नजर आए थे। 3 साल के बाद ब्रैड पिट की नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है बुलेट ट्रेन। पिछले 20 सालों में दुनिया ने दो ही ग्लोबल सुपरस्टार्स देखे, एक ब्रैड पिट और दूसरे शाहरुख खान। करियर के इस पड़ाव पर दोनों एक ही तरह की क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड को छोड़कर ब्रैड पिट की पिछली 5 फिल्में टिकट खिड़की पर औंधे मुंह गिरी। वंस अपॉन अ टाइम भी कोई ब्लॉकबस्टर नहीं थी। ये फिल्म किटारो इसाका के जैपनीज नॉवल मारिया बीटल पर बेस्ड है। इस नॉवल के अंग्रेजी वर्जन को बुलेट ट्रेन नाम से रिलीज किया गया था, इसलिए फिल्म का नाम भी वही रखा गया। इसकी कहानी टोक्यो से मेरियोका जा रही एक बुलेट ट्रेन पर घटती है। लेडीबर्ग नाम का एक ट्रेन किलर है। अब वो खून खराबे से दूर एक शांत जिंदगी बिताना चाहता है, मगर उसकी हैंडलर उसे एक आखिरी काम के लिए वापस बुला लेती है। काम ये है कि बुलेट ट्रेन पर एक ब्रीफकेस है। आखिरी स्टेशन पर लेडीबग को वो ब्रीफकेस किसी के हवाले करना है, मगर ट्रेन पर चढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उस ब्रीफकेस के पीछे 4 और खतरनाक लोग लगे हुए हैं। यही इस फिल्म का बेसिक प्लॉट है। बुलेट ट्रेन मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली है क्योंकि लेडीबग के अलावा 4 और लोग हैं जो उस ब्रीफकेस के पीछे पड़े हैं। जोई किंग ने द प्रिंस नाम की बच्ची का रोल किया है। जोई को क्रेजी स्टूपिड लव, द कॉन्ज्यूरिंग और नेटफ्लिक्स फिल्म सीरीज किसिंग बूथ के लिए जाना जाता है। वो इस फिल्म में एक ब्रिटिश किलर का रोल कर रही हैं, जो ट्रेन पर एक स्कूल जाने वाली बच्ची की वेशभूषा में है। जॉनसन को एमसीयू मूवीज में पिएट्रो मैक्सिमोफ का कैरेक्टर प्ले करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वो सेविजेस, नॉक्टर्नल एनिमल्स और नोलन की लास्ट रिलीज टेनेट जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रह चुके हैं। ब्रायन टायरी हेनरी ने टेंजरिन के पार्टनर लेमन का रोल किया है। ब्रायन को विडोज, जोकर और अटर्नल्स जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। जापानी फिल्मों के एक्टर एंड्रू कोजी ने युइची किमुरा नाम के एक जापानीज किलर का रोल निभाया है। वो दर्जनों जापानीज फिल्मों के अलावा HBO सीरीज वॉरियर में भी काम कर चुके हैं। लेडीबर्ग की हैंडलर मारिया बीटल के रोल में है ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस सैंड्रा बुलॉक। पहले ये रोल सिंगर और एक्टर लेडी गागा करने वाली थी, मगर हाउस ऑफ गुची और बुलेट ट्रेन की शूटिंग डेट टकरा रही थी, इसलिए लेडी गागा ने ये फिल्म छोड़ दी। बुलेट ट्रेन को डायरेक्ट किया है डेविड लीच ने। डेविड ने अपना करियर स्टंट डबल के तौर पर शुरू किया था। उन्होंने 5 फिल्मों में ब्रैड पिट के स्टंट डबल का रोल भी किया है। कमाल की बात तो ये है कि वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में स्टंट डबल का रोल करने वाले ब्रैड पिट ने इस फिल्म में अपने स्टंट्स खुद किए हैं। 1997 में डेविड ने चैड स्टेलहस्की के साथ मिलकर एक एक्शन डिजाइन करने वाली कंपनी खोली थी। 2014 में इन दोनों लोगों ने मिलकर कियानू रीव्स को लेकर एक्शन थ्रिलर जॉन विक बनाई थी, मगर डेविड ने इस फिल्म पर डायरेक्टर का क्रेडिट नहीं लिया। वो चार्लीज थेरन स्टारर एटॉमिक बॉन्ड, डेडपूल 2 और फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की फिल्म हॉब्स एंड शॉ डायरेक्ट कर चुके हैं। जैसे ही बुलेट ट्रेन की स्टारकास्ट अनाउंस हुई, विवाद हो गया। लोगों ने कहा, जैपनीज नॉवल पर बन रही फिल्म में सारे लीड रोल्स हॉलीवुड एक्टर्स क्यों कर रहे हैं, जबकि नॉवल में सभी किरदार जैपनीज थे। फिल्म पर व्हाइट वॉशिंग के आरोप लगे। व्हाइट वॉशिंग मतलब जो किरदार व्हाइट नहीं है उन रोल्स में भी व्हाइट एक्टर्स को कास्ट कर लेना। इसके जवाब में ये तर्क भी सामने आया कि साउथ एशियन एक्टर्स को बिग बजट हॉलीवुड फिल्म में कास्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका बॉक्स ऑफिस पुल नहीं है। हालांकि मार्वल की शांगचियन द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में चीनी मूल के सिमु लियू ने टाइटल कैरेक्टर प्ले किया था और वो फिल्म जबरदस्त हिट रही थी। अक्टूबर 2020 से लॉस एंजलिस में बुलेट ट्रेन का प्रोडक्शन शुरू हुआ। 16 नवंबर से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। मार्च 2021 में जाकर फिल्म की शूटिंग खत्म हुई। पहले बुलेट ट्रेन 8 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली थी, उसे आगे खिसकाकर 15 अप्रैल किया। अब फाइनली ये फिल्म 5 अगस्त 2022 को दुनिया भर में रिलीज होने जा रही है। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूँ अर्षदा, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।